हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे साथ आज हैं साहा जी जो हैं 59 इयर्स के और ये CRPF में जॉब करते हैं वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल से दिल्ली मेरे पास आए थे डेंटल इम्प्लांट्स के लिए। अपर में जाइगोमैटिक इम्प्लांट्स, लोअर में ऑल ऑन 6 इम्प्लांट्स, फास्ट ट्रैक इम्प्लांट्स, प्रोसेसेस दे दिया है। चैलेंजिंग केस था बट हमें चैलेंजेस पसंद है और प्रोसेसेस डिलीवर कर दिया है। स्माइल मिल गई है वापस, सेकेंड जनरेशन विद फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स। हाँ जी साहा जी, तो फाइनली फाइनली हो गया है, मुस्कुराहट आ गई है आपके पास, दांत आपको मिल गए हैं। हाँ जी, जब मेरे पास पहली बार आए थे आज से 6 से 7 महीने पहले, हाँ, तो अपर में काफ़ी जगह आपने जब चेक कराया था कि बोले जी इम्प्लांट्स लग ही नहीं सकते हैं, अपर में हड्डी है ही नहीं। हाँ, तो आपने फिर मेरे पास आए, उम्मीद रखी जी सर, एंड नाउ यू आर स्माइलिंग सक्सेसफुली, हमने केस कम्प्लीट कर दिया है। तो कुछ कहना चाहेंगे, पूरा ट्रीटमेंट वर्क फ्लो कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, दिल से कुछ शब्द बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहला बात बताऊंगा, सबका जो मतलब शॉप में जो काम करता है इनका बात व्यवहार बहुत अच्छा है, क्योंकि ना मैं है एक डिफेंस में है, तो डिफेंस में हम लोग को टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। जैसे ही फ़ोन से द्वारा बात हो रहा था, मैं आता था 10-15 मिनट बैठने के बाद फिर मेरा काम का शुरू हो जाता। तो इस प्रकार काम हम पूरा करके, सबसे पूरा करके पूरा काम कम्प्लीट हो गया हमारा। दाँत भी आज दे दिया है, और इससे पहला 6 महीने पहले ऊपर वाला दाँत दिया था, उसके बाद मैं सोचा था निश्चित तौर पर बचाऊँगा, सब पूरा बच जाएगा, लेकिन फिर जब इम्प्लांट ये करने शुरू किया तो पेन खत्म नहीं हुआ, फिर सब इसको उठा के फिर इम्प्लांट बैठा दिया, बहुत ही अच्छा हुआ। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि भाई नेचुरल दांतों को बचाया जाए, और जब लगता है कि ये दांत जो नेचुरल दांत है वो बिल्कुल होप खो बैठे, फिर हम इम्प्लांट ट्रीटमेंट करते हैं। हम हेल्दी दांतों को कभी भी नहीं निकालते, कोशिश करते हैं एंड टाइम, एंड मौके तक जो परमानेंट दांत है ना उनको बचाए रखें और उनकी लाइफ लंबी हो। अगर लगता है ना होपलेस दांत है, अगर लग रहा है हड्डी बिल्कुल भी नहीं है, तब इम्प्लांट्स होते हैं। तो फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स, तो मैंने बोला ना कस्टमाइज डेंटल इम्प्लांट्स, जैसे पेशेंट्स के मुताबिक ट्रीटमेंट वर्क फ्लो देते हैं और पेशेंट को जैसे ठीक लगता है वैसे इम्प्लांट प्रोटोकॉल होता है। हर स्टेप में फोटोग्राफ से लेकर प्री ऑप डायग्नोसिस से लेकर CBCT स्कैन से लेकर इम्प्रेशन से लेकर पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट होता है ना वो पेशेंट को समझ में आता है। ये अपनी खुद की सर्जरी भी देख सकते हैं, पूरा वर्क फ्लो भी देख सकते हैं, और उसके बाद जब एंड में जो जिप फाइल होती है ना पेशेंट को हम दे देते हैं। तो भाई टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही मिशन है, आपको स्माइल देनी, फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स को आसान बनाना और पूरा ट्रीटमेंट प्लान आपको बताना। तो साहा जी, ये जो स्टोरी है ना आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने और जो CRPF में भाई हैं, आपकी फैमिली है, उनके साथ शेयर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आसान है ये डेंटल इम्प्लांट का? आसान है, मैं तो बहुत मतलब डरा था ये कैसे होगा, नहीं ये स्क्रू से दांत लाएंगे क्या है कैसे। तो मैं देखा इधर आने के बाद कोई 15-20 मिनट का काम है, 6 इम्प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मेरा का कम्प्लीट हो गया। 6 इम्प्लांट लगा दिया, मैं चला गया, फिर थोड़ा थोड़ा पेन रहा कुछ दिन, फिर डॉक्टर साहब का आते रहा, बोला कुछ नहीं है, फिर ठीक हो गया धीरे धीरे। तो अभी तो 20 दिन के अंदर कुछ पेन नहीं है, कुछ नहीं, आज दांत दे दिया, बहुत मुश्किल आ रहा है, अभी खाना खाऊंगा फिर आऊँगा 1 हफ्ता बाद में, बता दूंगा कैसे क्या है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे स्माइल करते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद जय हिंद। तो मैंने बोला है ना कि फिक्स्ड डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मेंटेन आपको रखना है, रिट्रीव भी कर सकते हैं, कन्वेंशनल सीधे रास्ते वाले इम्प्लांट्स, डिजिटल इम्प्लांट्स, माइक्रोसर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ पे अपर में अगर हड्डी नहीं है तो जाइगोमैटिक इम्प्लांट प्लेस करते हैं, पीछे टेरिकॉइड इम्प्लांट डालते हैं, मोलर टू मोलर स्माइल देते हैं, और उसके बाद मसूड़े को भी सुंदर बनाते हैं, मसूड़े की लाइफ भी बढ़ाते हैं, और हर स्टेज पे एक्सरे इवैल्यूएशन से पता लगता है कि यार कहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना, और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स का हर रोज़ कोई ना कोई केस, कोई ना कोई पेशेंट की स्टोरी आपको ज़रूर मोटिवेट करेगी। तो अगर किसी बात की जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो पे आप DM कर सकते हैं, कोई सवाल है तो DM कर सकते हैं, मेरी टीम आपको ज़रूर आपको अप्रोच करेगी। और मगर फिर भी अगर फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स करवाना चाहते हैं तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत सारे केसेस फुल माउथ इम्प्लांट्स, फरवरी में 4 केसेस किए हैं, जनवरी के लास्ट मंथ में वी डिड अराउंड 6 फुल माउथ इम्प्लांट केसेस, बहुत सारे लास्ट ईयर वी डिड अराउंड 1000 डेंटल इम्प्लांट्स, 100 जाइगोमैटिक इम्प्लांट्स। तो ये सफ़र ना बहुत मज़ा आ रहा है, इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं और जादू की झप्पी भी ले रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं, दुआएं भी ले रहे हैं, स्माइल भी दे रहे हैं, तो मज़ेदार सफ़र चल रहा है और दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता। क्यों साहब जी? बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया है,
कोई भी किसी की इम्प्लांट कराइएगा तो बहुत आप पूरा चेक कर लीजिए, नेट में चेक करने के बाद जो डॉक्टर अच्छा लगता है उनके पास जाइए आप। मेरा को अच्छा लगा है इनके पास। वेस्ट बंगाल से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली, बैंगलोर से दिल्ली, चेन्नई से दिल्ली, हैदराबाद से दिल्ली, दुबई से दिल्ली, कतर से दिल्ली, तो सारे आ रहे हैं। तो आप भी आओ और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू।